जय हिंद दोस्तों, अपनी चैनल आरके मैथ में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग चालू करते हैं एसएससी जीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पूछा गया है 16/11/2021 को। 16/11/2021 को आइए करते हैं कुछ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, 45-3 × क्वेश्चन नंबर 4 × 6 प्लस 12/3 × 6 माइनस 4 × 5 क्वेश्चन नंबर प्लस 6। ठीक है, इस बार करते हैं। हम लोग जानते हैं कि बोर्ड मास नियम क्या कहता है, पहले का या का के की पहले होगा, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना। ठीक है, तो इसके ऊपर हल करते हैं। 6 × 2 = 24 हो गया, 3 से कटेंगे 12 × 4 में 6 × 2 = 24, ये भी 24 आ गया। अरे 5 × 20 − 20। ठीक है, तो 24 में से 20 गया 4, 24 × 4 = 28 है। इस क्वेश्चन में गुना में 3 है, 28 माइनस 3 है 45 प्लस 6। ठीक है, तो इसके बाद इस तरफ जोड़ते हैं, 6 × 5 = 11, 4 × 5 = 51 माइनस 38 = 24, 3 × 6 = 2 = 84, इसमें जाएगा 3, 4 में से 1 = 3, 8 में से 2 = 5 = 3, 12 माइनस है तो माइनस 3 होगा माइनस 33। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। बोला है 36 मीटर अति जूट बेचने पर एक दुकानदार को 12 मीटर अति जूट के विक्रय मूल्य के बराबर राशि का लाभ अर्जित कर रहा है, तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या है। कोई वस्तु है, लाभ किस पे होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 36 रुपया को अति 36 मीटर बेच रहा है जो, ठीक है, 36 एसपी है, बेचा तो जो जिस वस्तु मान लीजिए कि कलम पे मेरा उत्पादन टोटल खर्चा उपजाने में 5 रुपया है, इसका बेच जितना बेच उसका एसपी हो जाएगा। अरे 5 रुपये से बेसी में बेचेंगे तो लाभ होगा, 5 रुपये से कम में बेचेंगे तो हानि होगा। उसी तरह लाभ कमाया है तो एसपी माइनस हमेशा एसपी बड़ा होगा, और हानि होगा तो हमेशा सीपी बड़ा होगा। ठीक है, तो 36 सीपी बराबर 12 एसपी के बराबर है। ठीक है, इसका लाभ है जो 12 एसपी के बराबर है, तो जो बराबर में है इसको इस तरह ले जाते हैं, दोनों एसपी है, ये भी एसपी है, तो 36 एसपी माइनस 12 एसपी, माइनस में इस तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा प्लस 36 सीपी। 6 में से 2 = 4, 3 में से 1 = 2, 24 एस पी बराबर 36 सी पी। सी पी बटा एस पी कर देते हैं, इसका मान कितना हो जाएगा 24, ये प्लट ये चला गया बटा में 36, इसको काट भी सकते हैं 6 × 24 = 36, 4 से काटते हैं 36, फिर 2 से 3 से 2 3 सीपी और एसपी का रेशियो कितना है, 2 × 3 = 2/3। इसमें देखिए कितना बढ़ा है रेशियो में, 1 है, सीपी कितना होगा 2, 12 कितना 1 × 100, 200 × 100 = 50 पर कितना आ गया 50%, कितना गया 50% की प्रॉफिट। आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, प्रश्न 3 क्या कर रहा है,
प्रश्न संख्या 3 कक्षा 9 और कक्षा 10 में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। कक्षा 9 और कक्षा 10 में लड़कों और लड़कियों का संख्याओं का अनुपात 9:5 और 8:7 है। दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, कक्षा 9 है, कक्षा 9, कक्षा 10, ठीक है, दो हो गया। इसमें कितना है? कक्षा 9 में 42, टोटल का संख्या ऐसे कक्षा 10 में 45 है। तो इसको अनुपात कितना दिया है? पहले का 9:5, इसका अनुपात दिया है बुआ और गर्ल का, ठीक है। इसमें कितना दिया है? 8:7, 8:7 इसमें ये बुआ हो गया, ये गर्ल हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ टोटल का मान कितना है? 14 का मान कितना है? इससे कितना गुना है? देखिए टोटल 14 आ गया, इससे कितना गुना हो? 3 गुना हो गया, 3 गुना 42, तो वह कितने का है? 27, 25, 15 वाई हो गया, इगल हो गया। इसके टोटल मान कितना है? 8, 15 का मान कितना गुना है? इसका टोटल 3 गुना, एक रेशे का मान 3 गुना, तो बी कितना गया? बुआ 24, गर्ल कितना है? 27, 21, दोनों को जोड़ लेंगे 17, 11, 2, 4, 5 कितना है? 6, 2, 3, 36, 14, 14, 3, 11, 27, 28 कितना अंतर आ गया? अंतर 36 है, 51 है, तो 5 में 11 में से 5 गया, 6 गया 5, 4 में से गया 15, उत्तर नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का डी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न है 4 देखते हैं। देखिए क्या दिया है, 4 क्या कर रहा? 12% का, 4% का, 7% का, 2×10^6 का मान कितना होगा? देखिए 12% का यानी गुना 12% 4% 7% 2×10^6 इसको तोड़ लेते हैं, 12/100 × 4/100 × 7/100 × 2×10^6 है, तो 6×0 तक जाएगा 4, 5, 6, 2×0 2×0 2×6 4×2 6, 6×0 6×0 खत्म हो गया। अब इसको करते हैं, गुणा करते हैं 7×8 = 12, 96 में 7 गुणा करते हैं 7, 7×6 = 42, 2×8 = 4, 9×63 = 4, 8×8 = 96, 7×42 = 4, 9×63 = 4, 67, ठीक है, 772। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया। आइए दोस्तों प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न 5 क्या कर रहा है? इसे 12 सेमी × 44 सेमी × 25 सेमी विमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता है और 35 सेमी त्रिज्या वाले बेलन बनाया जाता है। जब गोलाकार घना को पिघलाया गया है उसका आयतन बराबर बेलन का आयतन बराबर होगा, तो इसका बेलन का कितना होगा? π r² h क्वेश्चन नंबर 5 बराबर l d h लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 22/7 × r का मान 35 × h का मान मालूम नहीं है, h होगा 112 × 44 × 25
करते हैं इसको, 7×5 35, 5 बार में 5×5 25, 5 बार में कटा, फिर 5 से कटा 7 बार में, 7×5 35, 22×44 2 बार में कितना, 7×7 बचा 4, 7×6 42, 1 बार का मान कितना आएगा, 16×32। ठीक है, अब पूछ रहा है इसका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना आता है, 2πRh, इसका मान बताते हैं, इसका मान कितना हो, 2×22×7×35 हो गया, एच का मान आया था 32, 7 से करने का 5 बार में कितना, 32×22, 5×10 हो जाएगा, 32×22 मैंने करता है 32×64, 64 64 कितना गया, 6×10=7, 5×10 हुआ था 10, फिर गुना गया कितना गया, 47, 47 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न छ क्या कर रहा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर एक धनराशि पर प्राप्त मिश्रित धन 4 वर्षों के बाद 32,200 रुपये है तथा 8 वर्षों के बाद 16,400 रुपये हो जाती है, तो उसी धनराशि के पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5 वर्षों में साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि साधारण ब्याज हमेशा हर साल समान होता है, तो 4 साल इसका कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 6, 4 साल इसका कितना हो जा रहा है टोटल, बोल रहा है क्या कि इसका टोटल कितना हो जाए, मिश्रधन दिया हुआ है मिश्रधन, तो 4 साल कितना बोल रहा है, 13,200, उसके बाद 4 साल 8 साल कितना बढ़ेगा, 16,400, 4 साल कितना वृद्धि हुआ, तो 4 साल गैप हो यहाँ बढ़ रहा, यहाँ वृद्धि कितना हुआ, 2×2=0, 0 फिर 4 में से 2 गया 2, 3 में से 3 गया 3। ठीक है, तो 4 साल में कितना मान हुआ, 3200, 2 में से 2 गया 6 में से 3 गया। ठीक है, मेरा 4 साल में बढ़ा 3200, तो यहाँ पूछ रहा पहले कि इसका राशि निकलना है, 4 साल के बाद यहाँ आया मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर कितना आया था, 3200, इसमें हम 3200 घटा देंगे, 3200 कितना है, 13,200, इसमें हम 3200 का मान घटा दिए, मेरा मूलधन निकल गया कि कितना था, मूलधन पी प्लस एस आई, 4 साल के एस आई के मान था 13,200, इसे हम घटा दिए 0,0, 2 में से 2 गया 0, 3 में 3 गया 0, 1, तो 1 का मान कितना है, मूलधन पी मेरा कितना निकल गया, 10,000। अब कह रहा क्या, प्रश्न देखिए, उसी धनराशि पर जो धनराशि दिया है उसी पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3.5×5 वर्षों में साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, इसे साधारण ब्याज निकल रहा है। ठीक है, इसका साधारण मूलधन कितना हो गया, 10,000, 10,000 मूलधन हो गया, इसका साधारण ब्याज कितना दिया है, 10%, समय कितना दिया है, 3.5×5, इसको हल करते हैं कितना गया, 15×16, 16/5, 16/5 ब्याज निकलने क्या करते हैं, देखिए ब्याज निकलने के क्या करते हैं, एस आई बराबर क्या होता है, P×R×T, 8% R%×T। ठीक है, उसी का मान बताते हैं, पी हो गया दर, आर हो गया समय, टी हो गया। ठीक है, 10,000 परसेंटेज तो मान देते हैं, 100 आएगा, चलते हैं 10×100×16/5, 2×2=0 काटा, 5×2=10, 16×2=32, 00=3200, राशि कितना मिलेगा, 3200, ऑप्शन नंबर ए।
देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 7, प्रश्न क्या कर रहा है, एक बल्लेबाज है जो 124 रन बनाए, ठीक है, टोटल 124 रन बना जिसमें 6 चौके और 10 छक्के हैं, तो उनके कुल स्कोर में से कितने प्रतिशत रन विकेटों से थी, विकेटों के बीच दौड़ कर दिए हैं, टोटल रन कितने हैं 124, ठीक है, इसमें 6 चौका मारा और 10 छक्का, तो चौकों में एक चौका में 4 रन, तो 6 में कितना हो जाए 6 चौका 24, 24 एक छक्का में 6 रन, तो 10 छक्का में कितना आएगा गुना 10 कितना 60, ये टोटल मिला कितना आ गया 84, टोटल 4 छक्का मिला कितना मारा 84, और टोटल मेरे पास कितना है 124 माइनस 84 कितना आया 84, 4 में से 4 गया 0, 12 में से 4 गया 40, जो 40 रन है वो दौड़ के कर लिया, 2 रन कर लिया है दौड़ का, और टोटल मेरा कितना है 124, परसेंट का मान निकालने के लिए 100 से करेंगे 4 से काटना 36 12 4 31 बराबर 1000/31, इसको तोड़ते हैं 1000 को भगाते हैं 31 31, 3 से 3 3 9 7 एक कट गया बस 70, फिर 2 से करें 31 में 62 बचा कितना 8 कट गया 32 पूर्ण है 8/31 परसेंट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 8। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति है जो 1600 रुपया लंबे मार्ग को 4 मीटर में पार करता है, तो उसकी चाल पूछ रहा है, ठीक है, 1600 मीटर है, 4 मिनट में, 4 मिनट में कितना कर रहा है मिनट, मिनट में तय कर रहा है, ठीक है, इस कहती है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, दूरी कितना है 1600/4, 4 मिनट में है तो दूरी कितना होती, चाल कितना है मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर पर घंटा, इसे मीटर प्रति सेकंड निकालने के लिए इसमें 60 से गुणा कर देते हैं, 4 मिनट है 60 से गुणा कीजिए तो 30 सेकंड आ गया, उसको काटते हैं 60 0 0 का 4 को 16 40 कर 20/3 कितना आ गया 20/3 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मीटर पर सेकंड पूछ रहा है, किसी में किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि देखिए अब कोई भी मीटर प्रति सेकंड है किलोमीटर प्रति घंटा में निकलना हो तो 18/5 से गुना करते हैं, और किलोमीटर पर घंटा हो और फिर मीटर प्रति सेकंड पूछा गया हो तो 5/18 से गुना करते हैं, ध्यान रखने देखिए 18/5 5/18 से गुना, ये हमेशा कन्फ्यूजन होता है, तो देखिए अब 12 किलोमीटर प्रति घंटा 12 संख्या है तो ऊपर वाला जो 12 होगा उससे 12 वाला संख्या से गुना करते हैं, 12 मान निकलने के लिए 12 गुना 12 संख्या से गुना करते हैं, और छोटा मान निकलने के लिए छोटा से गुना करते हैं, तो मीटर प्रति सेकंड है, ये छोटा मान है इसको 12 निकालना है मीटर किलोमीटर प्रति घंटा, गुना किससे होगा 18/5 से, 18/5, ठीक है, काटते हैं 5 के 20 36 18 24 24 किलोमीटर पर घंटा ऑप्शन नंबर सी, ठीक हो गया,
देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न 9 देखते हैं। 9 क्या कर रहा है? राय और सुमित के वेतनों का अनुपात 4:6 है, सॉरी 4:5 है। यदि उनमें प्रत्येक के वेतन में 6,000 रुपये की वृद्धि होती है तो उनके वेतनों का नया अनुपात 35:40 हो जाती है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या है? ठीक है, दो व्यक्ति है, रवि और सुमित। ठीक है, पहला अनुपात कितना है? 4:5। दूसरा कितना है? 35:40। इसको काट लेते हैं अनुपात में, आगे कितना? 7:5 काट गए, 7×5=35, 8×5=40। अनुपात आगे कितना? 7:5। देखिए आप, अब वह प्रत्येक में 6,000 की वृद्धि, प्रत्येक में 6,000 की वृद्धि, इसमें भी पड़ेगा प्लस 6,000। इस अनुपात में कितना बढ़ रहा है? 2। इसमें भी कितना बढ़ रहा है? सॉरी 3 बढ़ रहा है, इसमें भी 3 बढ़ रहा है। 3 रेशो का मान कितना दिया है? 6,000। 1 रेशो का मान कितना है? 300 का 2 बढ़ा 2,000। 2,000 1 रेशो का मान निकलेगा तो, और कुछ यही पूछता कि शुरू के इसमें राशि कितना है, तो 2 से गुना करते हैं 2,000 से, तो 10,000 होता, इसमें 8,000 होता। ठीक है, और पूछा फिर बाद का राशि, सुमित का इतनी बढ़ा हुआ होना, तो देखिए शुरू का पूछता तो 5 दुनी 10 10,000 होता। ठीक है, 6,000 जोड़ देते हैं, प्लस में ऐड हुआ 6,000, या डायरेक्ट इसका अनुपात बढ़ा हुआ कम उम्र दिया हुए 8 से गुना भी कर सकते हैं, गुना 2,000 कितना? 8 दुनी 16,000। ठीक है, 16,000 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, शुरू वाला पूछा 10,000 और प्लस जोड़ते हैं 6,000, तो बाद का राशि निकल जाएगा। सुमित का पूछ रहा है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है? जब विक्रय मूल्य 132.6 रुपये की वृद्धि होती है तो 10^2% की हानि होती है। ठीक है, जब विक्रय मूल्य 132.6 रुपये की वृद्धि होती है तो 10^2 की हानि 11^3/5 के लाभ के लाभ में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? माने कि सीपी माने कि 100 था पहले, इसे 10% की हानि, 10% की हानि, 10% की हानि, तो इसको 10×5 में ले सकते हैं, तो ये मेरा इससे की है सीपी हो गया, ये हानि लॉस। तो एसपी कितना आएगा? इसमें घटा देंगे कितना? 89.5 ESP आ गया। ठीक है, और उसको बोला कि 11/3/5 की लाभ होता है, इसको तोड़ते हैं 11.6×30 11.6 इतना लाभ होता था, पर सौ में था सीपी और लाभ बढ़ा 11.6, तो 111.6। ठीक है, इसका अंतर कितना है? इसका अंतर निकलता है 6 में से 5 गया, 1 2 में से 9 गया, 2 में से 3 9 गया, सॉरी 11 में से 3 9 गया, 2 फिर बचा 10 में से 8 गया, 2 बस पूर्णांक 1। इसका मान कितना है? दोनों का कितना बढ़ाया था? 132.6। इसके बाद 0 भी बैठा भी सकते हैं, नहीं भी बैठा सकते हैं, तो देखिए इस के बार में घटा, इसको पॉइंट से पॉइंट कट दिए, के बार में घटा 6 बार में। 1 रेशो का मान कितना है?
एक के मतलब ना छह। अब पूछ रहा है किसका, तो वस्तु का क्रम में पूछ रहा है, एक का मान है छह, तो हमको सौ का मान चाहिए, सौ का मान पूछ रहा है, तो छह गुना एक सौ कितना आएगा, छह सौ, छह सौ सी भी आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या अगला क्वेश्चन, ग्यारह नंबर, सात सौ पचहत्तर, सात सौ पच्चीस मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है। ठीक है, तो ट्रेन की देखिए, जब भी ट्रेन या जब भी ट्रेन किसी पुल किसी पुल या किसी ट्रेन को पार करता है, उसका दूरी जुड़ जाता है। ठीक है, तो ट्रेन की लंबाई कितना है, ट्रेन की लंबाई 725 प्लस, देखिए दूरी हमेशा या तो विपरीत जाए या समान दिशा में जाए, दूरी हमेशा जुटेगा। ठीक है, प्लस 235, 235 जोड़ते हैं कितना, पाँच दूनी दस, दो एक तीन छः, पाँच दूनी दस, तीन दो पाँच, पाँच छः, दो सात, सात दो नौ, छिया छः, टोटल दूरी आ गया कितना, 960 मीटर। इसे दिया कितना है, समय ग्यारह नंबर, ये 48 सेकंड पार कर रहा है, 48 सेकंड, 48 सेकंड में पार कर रहा है, चार निकलेगा, चार बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। देखिए 48 में दो से काटेंगे, 48 में 96, 20 मीटर पर सेकंड, चार कितना का 20 मीटर पर सेकंड। पूछ रहा है किलोमीटर प्रति, चार पूछ रहा है किलोमीटर पर घंटा में, किलोमीटर पर घंटा में निकालने के क्या करते हैं लोग, देखिए इसे क्या क्या करते हैं, 18/500 गुना करते हैं। ठीक है, 18/500 करेंगे चार बार में, 18 × 4 = 72 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।